हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माहिंदु शाला। आज अपन देखेंगे, आज जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है उसमें देखो टाप राय इज अ होम ऑफ, टाप राय है वो किसका होम है, वो मीणाओं का घर होता है, मीणा इसको बोलते हैं। तलीनाजी का पशु मेला कहाँ आयोजित होता था, ये मलिनाजी, इस मलिनाजी के लिए होता है। कीका किसका नाम था, ये कीका नाम है, ये महाराणा प्रताप का नाम होगा। वेस्टर्न ड्राई सैंड प्लेन्स राजस्थान फॉर्म ऑफ परसेंट ऑफ टोटल, ये 60% एरिया होगा। राव माधव देव कहाँ के थे, मारवाड़ के थे। हु गेव द सवाई टू जय सिंह, तो ये इसका आंसर होगा औरंगजेब। अजमेर रीजन वाज इंक्लूडेड इन राजस्थान विच ईयर, ये 1956 में होगा। कालीबंगा है वो सिचुएटेड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ये हनुमानगढ़ होगा इसका। तो ये कौन सी इसमें, ये डोलामारू की पेंटिंग है, ये मारवाड़, मारवाड़ के अंदर होगी। उस्ता कला है वो किससे संबंधित है, उस्ता आर्ट है, ये संबंधित है ऊंट के, ऊंट से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाया था इसके अंदर कि जलवायु के प्रति के अनुसार ये जिसमें कौन सा तत्वाद्य का उदाहरण नहीं है, तो इसमें तत्काल देखो जनता सारंगी और रावणता में तार होता है लेकिन अलगोजा के अंदर तार नहीं होता है, तो अलगोजा इसका सही आंसर होगा। चारणों की कुलदेवी करणी माता होती है। विजय सिंह पति का मूल नाम भूप सिंह था। मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप डिंगल होता है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। ऊँटों का देवता पापूजी होते हैं। बुआई के क्षेत्र के मानकों के आधार पर ये गेहूँ हो सकता है, इसमें पूरा क्लियर नहीं है। बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ होगा और ये जलदुर्ग ये गागरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से स्त्री के सिर का आभूषण कौन सा है, तो सिर का आभूषण बोरला होता है। तेरह ताली लोकदंड किस लोक देवता से किया जाता है, तो ये रामदेव जी के लिए किया जाता है। माउंट आबू सर्व माउंट पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर वो माउंट आबू में है। कोलायत का जो मेला है उसको कपिल मुनि के नाम से भी जाना जाता है। आहार सिविलाइजेशन का नाम है वो धोला धूलकोट है। लासड़िया का जो लासड़िया प्लेटू है वो उदयपुर के अंदर है। राजस्थान पर्यावरण विभाग, ये 1983 में हुआ था। लूणी और सागी वाला गलत, ये करेक्टली मैच नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीठे पानी की झील जैसमंद है और राजस्थान पथ परिवहन निगम 1964 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अंदर 36.64 होगा। इसमें नेक्स्ट 33-34 में कन्फ्यूजन है, इसमें 63-30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई बजाज सागर, ये खादू गांव से होगा, ये जो बांसवाड़ा के अंदर है जहां से माई बजाज सागर डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है स्वदेशी जनजाति के लिए चोटन थार प्रकार होगा इसका। नेक्स्ट 39 में टंगस्टन पलना और कनक सागर पार्क है, ये एस्टेब्लिश शायद अजगर या हिरण के लिए होगा। इसमें कन्फ्यूजन अभी तक इसका वो नहीं है। तो जिसके जितने आंसर वो आपको हम बताए यहाँ पे बताते जा रहे हैं। ईस्टर्न बाउंड्री और भोराट प्लेटू होगा और यहाँ पे कोटा और बूंदी होगा इसके लिए। राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम है 74-75 राजस्थान का फसल के उत्पादन में अग्रणी है वो बाजरा है। बीकानेर व चूरू में ऊँट की जो वो है ये इसमें नाचना है, गोमट में से किसी होगा। राजस्थान का जो कल्प वृक्ष कहा जाता है उसको खेजड़ी को कहा जाता है। यूरोनियम डिपॉजिट है, शायद तक सी हो सकता है इसका। एक चकली इसका आंसर भी पता नहीं है, बाकी आंसर आपको वहाँ पे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, इन्फ्लिबेट से हुआ है। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर, ये कीबोर्ड होगा। नेक्स्ट है कि विच एजेंसी यूज फर्स्ट कंप्यूटर, नीचे नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। इन्हीं एक फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है, एएससी सेकंड इसकी वो लैंग्वेज नहीं है। आरआर एलएफ की जो मुख्यालय वो कोलकाता के अंदर है। इसका जो इन्फोटेक्स सबसे पद गए भी है, इसका प्रतिपादन एसएस रंगनाथन ने किया था और ये 2006 में इसके लिए राजस्थान पब्लिक एक्ट है ये 2006 में पारित हुआ था। मोबाइल लाइब्रेरी एक संदर्भ सेवा है, इन्फॉर्मेशन एक कच्चा डेटा है तथा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली 1985 के अध्यक्ष डीपी चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसके अंदर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपना कि यहाँ पे अपन देखेंगे सीसी की क्लास एंट्री में इसमें बुक होगा और अप्पू आगा इसको भी पता नहीं है। अभी द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग ऑफ न्यू बुक्स इन कम्प्लीटनेस इज, ये पूछा इसने द इलस्ट्रेशन एक्सेट्रीज कार्ड, तो इसके अंदर इस जो आपका जो राइट आंसर होगा वो फिनिशिंग होगा। और रिफ्ट टेक्नोलॉजी वो सूचीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन द थ्योरी रेफरेंस सर्विस विच प्रिस्क्राइब दैट, इसमें लिमिटेड टू, ये मॉडरेट होगा इसका। नेक्स्ट में रेफरेंस सर्विस होगा। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया, ये इसका इसके 15th एडिशन के अंदर 5 पार्ट थे और इसमें हैंडबुक और डिक्शनरी दोनों के सिमिलर है। नेक्स्ट में भारत में किसके द्वारा विज्ञान, तो इसमें डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता और पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अधिक है, ये इसमें प्रथम सूत्र होगा। किस वर्ष में इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता, ये 1948 शायद तक हो सकता है। इसका पुस्तकालय की त्रिमूर्ति की अवधारणा एस रंगनाथन ने ही दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सूचना के बारे में, ये भी रंगनाथन ने ही बताया था और इसकी 85 के आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये देख सकते हैं आप। और समान विषय के प्रलेखों को एक स्थान पर एकत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपन प्रलेखन कहते हैं। और इसके अंदर जो CDS ये कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट सर्विस या फिर इसको इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस
का नाम देंगे अपन ई पार्ट्स वाला, ये प्रोजेक्ट है, इन फ्लिपनेट का प्रोजेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस यूजिंग फॉर पेचिंग पेचिंग ग्राफ के लिए ये होगा। कंप्यूटर किस माउस प्रणाली को किसने किया था, ये डीसी इनलेजबर्ट ने कहा था। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स का है, कि ये नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डेक्स कार्डेक पुस्तकों के प्रसंस्करण के अभिलेख, इसमें शायद तक ये क्वेश्चन हट सकता है क्योंकि इसकी इंग्लिश और हिंदी वो सही नहीं दी गई है। त्रिपिटक प्रणाली में जांच का व्यवस्थापन के लिए परिग्रहण संख्या यूज होती है। डेट्रॉइट सरणी पद्धति वो कार्डेक्स प्रणाली के लिए होती है। और नेक्स्ट है पुस्तकार चयन में मांग व आपूर्ति के लिए, इसका प्रतिपादन मेलविन ड्यूई ने किया था इसके लिए। ए सी वोलनर और एम थॉमस है ये इनकी स्थापना, ये आईएलए की स्थापना से इनकी इनका संबंध है। और नो लाइब्रेरी सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्स टू मीट इट्स नीड ऑफ यूजर, दिस स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 98 है, इसके अंदर डी होगा। डॉक्टर एस एम फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इसको सर मॉरिस गियर को कहा गया है, मॉरिस ने इनको कहा था। हु वाज अ, ये इसका भी आंसर कन्फर्म नहीं है। और नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसेंशियल लाइब्रेरीज टू मीट एवर ग्रो इन कम्युनिटी, ये देखो संसाधन साझेदारी होगी, पुस्तकालय अधिनियम नहीं होगा, वित्तीय संसाधन नहीं होगा। अगर आपको मान लो कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ एसेंशियल आपको कुछ चीज़ें चाहिए तो वो आप साझेदारी के द्वारा उसको कंप्लीट कर सकते हो, ना कि कोई वित्तीय संसाधन या फिर गुड लाइब्रेरी कलेक्शन से। नेक्स्ट है ये लंदन सम्मेलन, इस वाले में कन्फ्यूजन है, टाइटल ऑफ द वॉल्यूम लिखेंगे जब AACR का सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोसीडिंग एडिटिंग में इसमें करेंगे तो। और इसमें नेक्स्ट होगा चयन परिसंसरण एंड परिग्रहण लिखेंगे। संदर्भ सेवा की अवधारणा है वो शेमिल स्वेट ग्रीन ने दी थी। इंडिया रेफरल एनुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वार्षिक ग्रंथ, डिस्प्ले ऑफ लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ए लाइब्रेरी इज ए टाइप ऑफ ये संदर्भ का एक टाइप होगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का प्रकाशक कौन है, तो ये होगा H.W. विल्सन, शायद तक हो सकता है इसका एग्जैक्टली इसका अभी पता नहीं है। और इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, तो वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल होगा रैम, ए डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू एनालॉग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो उसको अपन मॉडेम कहेंगे। और 113 के अंदर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें है सबसे पहले सोर्स होगा, सोर्स से अपन मैसेज भेजेंगे, वो किसी चैनल के थ्रू जाएगा और किसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा। मोस्ट पॉपुलर एंड यूज आउटपुट डिवाइसेज, ये CRT मॉनिटर्स होते हैं, VDU होते हैं, बेसिक की फुल फॉर्म है बेसिक ऑफ ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। वीपो का ये यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, इसमें कुछ डाउट है अभी, इसका कंफर्म नहीं है। ऑफिशियल एजेंसी इसका भी अभी डाउट है, यूनेस्को ने इसके लिए ये ज्ञान की ओर प्रवट समाज है, ये हो सकता है इसका। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, जिन क्वेश्चन के अपन का आंसर मिले हैं उन क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द एसेशन रजिस्टर रिकॉर्डिंग टू पुस्तकालय की प्राप्ति की दिनांक, ये एकदम श्योर करेक्ट है, 121 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट गिवन इन द प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, परिणाम के अंदर परिणाम इसका नहीं है। पॉलिसी एक्टिविटीज एम्स, इसके लिए निर्धारण किया जाता है इसके अंदर। विच ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है पब्लिक लाइब्रेरी, इसके अंदर अगर जो उसके जो पुस्तकालय अधिनियम के अंदर जो लाइब्रेरी है उसका जो पुस्तकालय उपकर है जो उसका उसको यूज करने के लिए जो वार्षिक या मासिक शुल्क लिया जाता है उसका यहाँ पे वो इनके लिए इनकम का एक सोर्स होता है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स, तो पेटेंट है वो प्राइमरी सोर्स नहीं होंगे, पेटेंट्स आर रिगार्डेड ऑफ द सेकेंडरी सोर्सेज। प्रिपरेशन सर्विस एंड एसिमिलेशन आर द मेन स्टेजेस इन्वॉल्व इन, ये दीर्घकालीन संदर्भ सेवा के अंदर वो परिलेखों को चार श्रेणियों किसने विभाजित किया है, एस आर रंगनाथन ने, इसको चार इसमें है कि परंपरागत अपरंपरागत गैर परंपरागत और मेटा डाटा, इसमें चार इसकी प्रलेखों की श्रेणियां इसमें इन्होंने की है। और विच वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल सोर्स टू नो अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, ये इसको आप डायरेक्टरी के अंदर से देख सकते हो, गजेट ईयरफोक और साइक्लोपीडिया से आपको ये डिटेल नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्टरी से ये डिटेल मिलेगी क्योंकि ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है 130 के अंदर कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, देखो डी स्पेस कोहा ग्रीनस्टोन ये एक है और विंडोज इसमें अलग है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विंडोज है यहाँ पे इसका सर एक ऑप्शन हो जाएगा। CDS ISI को डेवलप किसने डेवलप की थी, ये यूनेस्को ने डेवलप की थी। आफ्टर 1991 डेलनेट इज नोन एज, तो ये डेवलपिंग लाइब्रेरीज नेटवर्क इसको बोला जाता है। अबेकस क्या होता है, अबेकस साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण होता है। ये इंटरनेट पते का किस नाम से जाना जाता है, इसको URL के नाम से जाना जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से इसको जाना जाता है। और रंगनाथन ने प्रायोगिक वर्गीकरण तो कितने सोपान दिए थे, तो इन्होंने 8 सोपान दिए थे। AACR सेकंड का प्रकाशन 1978 में हुआ था। और हु इज असिस्टेड विद CCC, ये है ए नीलम गहन। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम में मुक्त पक्षतात्मक साहित्य तक हो सकता है, जेफ डब ब्राउन है, इसमें डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग के लिए प्रेरणा है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करते हैं, हु गेव द प्रिंसिपल द बेस्ट
बुक फॉर द लार्जेस्ट नंबर एटलीस्ट इन द सेक्शन ऑफ कॉमी, तो ये मेलविन डेवी ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेवार्क सिस्टम ऑफ इज द सर्कुलेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, ये भारत में इंट्रोड्यूस होता। मेन यूज ऑफ सेल्फ इज ग्रंथ का चयन के लिए, पुस्तकालय में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है, पुस्तकालय अध्यक्ष के पास। हु इज द फादर, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है ये, F.W. टेलर इसका साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल का ये है। और राउटिंग, इसमें शायद तक ये उसमें दिक्कत हो सकती है, शायद तक इसका अभी तक आंसर आ नहीं पाया। राउटिंग इज ए पीरियोडिकल या रेफरेंस सर्विस से होगा। फोर्डर गाइड इज इंडिया टू, शायद तक डी ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर। ग्लोसरी, लेक्सिकन, ट्रेजर एंड वोकैबुलरी आर द टर्म्स आर यूज इन, तो ये इनसाइक्लोपीडिया में ये टर्म्स यूज होती हैं। और पेटेंट सिस्टम है इनका, ये दो क्वेश्चन अभी इनके कन्फर्म आंसर नहीं है। तो गाइज ये थी आज की आंसर की, जो लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का पेपर हुआ था आज 29 दिसंबर 2019 को ये पेपर हुआ था। आई होप गाइज कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो उसमें बुरा मत मानना, आप उसको कमेंट सेक्शन में करेक्ट करके बता सकते हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में और जो क्वेश्चन के आंसर नहीं बताएं वो बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।